प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी का जो अनुपम उपहार बिहार को दे रखा है, उसके चलते कृषि हमारे लिए स्वाभाविक प्राथमिकता बनी रही है। बिहार सरकार ने इसी तत्व को पहचानते हुए राज्य में कृषि के विकास को समग्र विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया है। वर्तमान समय में रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग एवं जीवांश खादों की कमी से हमारे कृषि हेतु भूमि का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मृदा में जीवांश की मात्रा घटने से इसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती है। जलाशय तथा जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। साथ ही मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की कमी होती जा रही है। इससे पौधों की वृद्धि तथा उपज पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी की दशा में सुधार एवं पौधों के विकास के लिए लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इन सभी को देखते हुए बिहार सरकार कृषि विभाग जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है, ताकि कृषि उत्पादन में टिकाऊपन लाया जा सके, मृदा की जैविक गुणवत्ता बनाए रखी जा सके, प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सके, वातावरण प्रदूषण को रोका जा सके, मानव स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके और उत्पादन लागत को कम किया जा सके। इस प्रकार जैविक खेती अपनाने से प्रकृति के साथ साथ किसानों को भी कई प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। इनमें प्रमुख है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, मानव एवं पशु के स्वास्थ्य में लाभ मिलता है एवं इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी अधिक होता है।